that dramatic. You can't compare it to any other film. Kya challenges rahe while watching the film, not to both of you? मेरे लिए प्रीतो का कैरेक्टर प्ले करना मुश्किल इसलिए था थोड़ा सा क्योंकि उसमें सरदारनी का रोल किया है मैंने और उसमें मुझे पंजाबी बोली थी तो शुरू में तो एकदम ठेठ पंजाबी में थी मतलब नॉट कम्प्लीटली ठेठ पंजाबी में स्क्रिप्ट बट बहुत हद तक पंजाबी बोलना था जो कि मुझे सीखना पड़ा आई हैड टू लर्न इट और मैं बिहारी हूँ तो एक बिहारी कितना भी कुछ भी करेगा वो थोड़ा सा बिहारी आ ही जाता है लाइक हम आ ही जाता है अरे हम तो यहाँ जा अच्छा सॉरी मैं तो उससे जा रही थी इट्स लाइक दैट सो मुश्किल था बट बहुत मज़ा आया डिफ़िकल्ट आई थिंक जो जो उसका म्यूज़िक पार्ट है उससे मैं थोड़ा रिलेट करती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ थोड़ा बहुत गिटार प्लीज़ आप उनसे कहिए गाने के लिए तो बट आई थिंक जो रिलेशनशिप पार्ट्स थे वो थोड़े मुश्किल थे बिकॉज वो लिखे ऐसे गए हैं मतलब लगता ही नहीं कि आप डायलॉग बोल रहे हैं एक सेकेंड में आपने लाइन शुरू की और सडनली आपको ऐसा लग गया कि आप एक रियल वर्ल्ड में हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल है तो आई थिंक और हो सकता है बार बार हम रियल वर्ड यूज़ कर रहे हैं बट दैट्स ऑल वी हैव रियली बट एक्चुअली लाइक आप एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं और आपको किसी और से प्यार हो जाता है आप क्या करेंगे लाइक आप इट्स बेसिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एंड सो रियलिस्टिकली डन दैट हर इंसान जो इस फिल्म को देखेगा जब मैंने देखा बनने के बाद तो मुझे लगा ओह ये तो मैंने बोला है लाइक ऐसी आप बॉम्बे में आप 10 घरों में से अगर जाएंगे तो एटलीस्ट 5 घरों में ये हो रहा होगा जो हमने फिल्म में दिखा इट इज़ सो ट्रू एंड आज की डेट का है ओके द लास्ट वन व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ जूनी मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक तो डेफिनेटली है जो कि ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड लविंग इट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है और अगर कभी आप प्यार से बाहर हुए हैं लाइक इफ़ यू हैव बीन इन लव और इफ़ यू हैव बीन आउट ऑफ लव you will come and you will really connect with the film and you will take back strength in you that this is not end of the world you have to love gives you the strength to move on in life yeah that's what we might be a small film but we have a big heart and my director said Jugni is the music of love meets the love of music and I think that's really powerful so come watch us yeah देखिए मैंने सन 2000 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कुछ और लोगों के साथ जिसका नाम है बीट ऑफ इंडिया तो उसके लिए मैं बहुत सारे छोटे शहरों और गांवों में घूमी हूँ और मैंने बहुत सारे लोक कलाकारों को ढूंढा है और बहुत बढ़िया कलाकारों के संग रिकॉर्डिंग्स की हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं beatofindia.com पर तो उसी में मतलब लोक कलाकार इतने रंगीन और इंटरेस्टिंग और कमाल के कैरेक्टर्स होते हैं कि उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें एक अर्बन दुनिया और एक रूरल दुनिया और संगीत की दुनिया के बैकड्रॉप में दो दुनियाएँ आपस में मिलती हैं और उनसे जो मैजिक निकलता है Film making is a very serious film. Lots of money involved. Casting की अगर बात करें, casting किस बिना पे किस तरह से की गई, you know, कि मेरे मेरी मेरी फिल्म की फिल्म तो ये होगी और या मेरी फिल्म का ये किरदार ये होगा. On what ground you zeroed out the cast of the film? देखिए मेरी पूरी कास्टिंग ऑडिशंस पे के बेसिस पे हुई ऑल्दो मैं सिद्धांत को पिछले शायद 15 सालों से जानती हूँ क्योंकि मैं भी थिएटर करती थी और जिस ग्रुप के संग मैंने बहुत पहले थिएटर किया उसके संग इसने बहुत बाद में थिएटर किया है तो मैं इसको जानती हूँ बहुत दिनों से और ये बहुत अच्छा एक्टर है ये मुझे पता था लेकिन मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि एक सिंगर भी है एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एक्टर तो इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं एक सिंगर को ही कास्ट करूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा सिंगर नहीं मिल रहा था जो कमाल का एक्टर हो और जो उस कैरेक्टर को जो इतना रंगीन कैरेक्टर है इतना मज़ेदार कैरेक्टर है इतना कॉमिक कैरेक्टर भी है इतना इंटेंस कैरेक्टर भी है उसकी सारी खूबियों को बाहर निकाल कर लेके आए और जिस दिन सिद्धांत ऑडिशन के लिए आया सिद्धांत मुझे जानता था और अगर शायद नहीं भी जानता होता तो ये ऐसा लड़का है कि किसी के साथ भी लिबर्टी ले लेता है तो इसने एक सीन हम ऐसा कर रहे थे मैं इसको क्यूज दे रही थी जिसमें कि इसकी गर्लफ्रेंड के संग एक सीन है जिसमें कि वो उससे बड़े प्यार से ऐसी छेड़खानी कर रहा है तो इसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया एज ए डायरेक्टर मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं हंसने लगी क्योंकि मैं इसे जानती हूँ
मेरे साथ मेरा को प्रोड्यूसर मानस भी था, तो हम लोग को इमीजिएटली समझ में आ गया कि खुराफाती जो ये एक एज एन एक्टर एज अ पर्सन भी है वही सही एकदम फिट बैठेगा इस कैरेक्टर। एक्चुअली मस्ताना का मुझे बोला गया था उन्होंने, तो मैं मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ जुगनी जिसमें एक रोल है, तुम ऑडिशन दोगे? मैंने कहा मैं क्या रोल है, कह रहे मैं कह रही मस्ताना, मैं कह रही मैं कर रहा हूँ, कह रही नहीं करना नहीं है पहले तुम्हारा ऑडिशन होगा फिर तुम देखे जाएगा। मैं ठीक है ठीक है ठीक है जी। सो यार ओके साधना जी को ऑन बोर्ड लाना, इट वाज ऑलवेज देयर कम योर माइंड व्हेन यू राइट दैट यू नो द कैरेक्टर ऑफ द मदर ऑफ द नो नॉट एट ऑल। साधना जी के घर मैं और मानस गए थे किसी और कारण से, मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे लगा ये वही एक्ट्रेस हैं जिनको हम देख चुके हैं नदिया के पार जैसी फिल्म में, मुझे लगा ये बिल्कुल फिट बैठती हैं मेरे बीबी स्वरूप के कैरेक्टर के साथ, पर वी वर नॉट श्योर कि वो कंसिडर भी कर रही हैं कि वो दोबारा से एक्टिंग करेंगी, बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, हमारे पास उस किस्म के बजट्स नहीं थे, उस किस्म की सुविधाएँ नहीं दे सकते थे हम एक्टर्स को, तो हमने पता करवाया और लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं। फिर जब मैंने उन्हें किरदार सुनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं खुद और वो एक सिंगर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो इसलिए उन्हें कैरेक्टर पसंद आया और उनके संग काम करना हैज बीन वेरी एंजॉयबल। I think it's one of the, I'm so fortunate, I think one of the best starts anyone can get, a newcomer like me, and I'm thankful to Shefali, you know what, and she did audition with a couple of other actors as well, and she showed such a tremendous faith in me, that's still a surreal feeling for me, that I've done this role, and I'm very happy about it, yeah. What was the most challenging part, you know, while working on the character that you played in? सी मैं मेरा कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं है सच, ठीक है, आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर, मैं सिर्फ फिल्मी गाने सुनता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ, पर मैं सीखा मैंने कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा गाता हूँ मैं पर लोग कान बंद कर लेते हैं उस लेवल पे जाके। सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड आई थिंक शी बिलीव्ड इन मी अ लॉट व्हिच गेव मी अ लॉट ऑफ फेथ दैट आई कैन पुल इट ऑफ। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हाट शी डिड लाइक मैं शाम को शिफाली हम पास में ही रहते हैं सो मैं इनके घर जाता था एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर हरसेल्फ so used to train me in little ragas or wo just to get a feel of it so maine halka shuru kiya fir main thode din punjab gaya 7-8 dino ke liye wahan ke local singers se milne to I'm no one to judge music acha hai ki bura hai koi acha gaata hai bura gaata hai par ek cheez bahut common thi un sab ke andar ke sare bahut passion se gaate the you know bahut passion se gaate the mujhe laga main usme halka sa bhi wo passion dikha sakun so I think I've achieved a little bit to do this. Your, you know, your experience working, you know, the actors like Sadhana ji, you know, Sugandha, who's already worked, and Namrata, you know, your experience working with them, speaking Sadhana ji. जी साधना जी, I think अगर आप फिल्म देखेंगे, अगर आपको जो लगेगा कि ये एक माँ और बेटे हैं, so it is just because of her. Her sheer presence next to me while singing, while performing. आई थिंक शी मेड मी फील लाइक मोर दैट आई एम मैं उनका बेटा हूँ, मतलब अगर आप क्वेश्चन निकल गया तो सिर्फ उनकी वजह से निकालता, शी इज फेनोमिनल इन दैट। कैसे जुदा मानती हैं आप उन लव स्टोरी जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी हैं, और कितना चैलेंजिंग रहा कि लोग बंधे रहें और लव स्टोरी भी देख रहे हैं तब भी, क्योंकि बहुत जुगनी जो फिल्म है बहुत बहुत रियल स्पेस है, जो कैरेक्टर्स हैं सिचुएशंस हैं उनकी जो इमोशंस हैं उनकी जो न्यूआंसेस हैं कैरेक्टर्स की और उनके इमोशंस की, वो बहुत एकदम एक जो कोई जना देखता है वो रिलेट कर पाएगा उससे, ऐसा मेरी आशा है। और अभी तक जो लोगों ने रफ कट या कुछ कट्स देखे उनको ऐसा लगा, तो आई थिंक फिल्में इस इंडस्ट्री में अभी ऐसी बनने शुरू हुई हैं लेकिन ऐसी कम होती हैं जो इतनी ज़्यादा रियल कॉम्प्लिकेटेड न्यूआंसेस को निकालें और उनके नेगेटिव्स को भी। ये कैरेक्टर मेरी फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अच्छा हो दूध का धुला हो, हर एक के अपने नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव्स हैं ग्रेज हैं, वो सारे रियल कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए लोग जो देखने वाले हैं उनसे मेरी आशा है ऐसी कि रिलेट कर पाएंगे और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है सिनेमा। Ma'am, do you think there is gender inequality in the industry as such? I mean, you are directing the film. So when a male directs the film, they get more support as compared to a female? I have not felt that for a single thing. I have never felt any gender inequality in this industry. मुझे एक बार भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि एज अ वुमन आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, सो इफ इट इज देयर देन आई एम अनअवेयर।
यू नो माय डियर रिपीटिंग माय सेल्फ जब हम इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनते हैं और फिल्म को बनाते हैं बहुत बहुत अफर्ट बहुत मेहनत बहुत ऐसा लगता है फिल्म की रिलीज को लेकर यू नो कितनी स्क्रीन पे रिलीज करने का आपका इरादा है और किस तरह से रिलीज प्लान की है आपने अमूमन ऐसा होता है कि आप एक फिल्म लेके आ रहे हैं उसके साथ एक बड़ी स्टार का फिल्म आ जाती है और कहीं ऑडियंस बढ़ जाती है या आपको स्क्रीन नहीं मिल पाती है उसके लिए यू नो बहुत ज़्यादा पाइप है हाउ यू प्लानिंग स्पेशली द रिलीज पार्ट देखिए PVR हमारी मदद कर रहा है PVR फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि फैमिली और फ्रेंड्स से लेके अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज हैं जो कि हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं हमारे पास बजट्स नहीं थे उस तरह के प्रमोशंस के लेकिन PVR हमारा ट्रेलर चला रहा है जिसके जो कि चल रहा है आजकल सिनेमा हॉल्स में हमारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं हमारे स्पॉट्स टीवी पर आ रहे हैं सोनी म्यूजिक ने हमारा म्यूजिक दे आर आर म्यूजिक पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबके काम में एक ऑनेस्टी है क्योंकि हमारे काम में भी एक ऑनेस्टी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बड़े शहरों में हमारी टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंगस्टर्स हैं और मोस्टली अर्बन है ऐसा हो सकता है कि छोटे शहरों में भी लोगों को फिल्म पसंद आए लेकिन अभी शुरुआत में जो स्क्रीन्स में पिक्चर खुलेगी वो बड़े शहर और मेट्रोज में खुलेगी और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें खुलेगी और वहाँ पे मुझे लगता है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ सोशल मीडिया पे हमारी बहुत चर्चा है थैंकफुली बहुत अच्छी चर्चा है तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस अगर एक बार सिनेमा हॉल में आएंगे उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी आई थिंक द स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग व्हाट शी हैज रिटन द वर्ल्ड शी हैज मेड यू नो आई टेल लॉट ऑफ पीपल तो कि एक बहुत वंडरलैंड सा क्रिएट किया गया है एंड आई एम वेरी श्योर एंड वी ऑल आर श्योर कि पीपल एंटर द सिनेमा हॉल टू सी आवर फिल्म they won't be disappointed at all you know they'll wo gungunate mein aayenge aur gungunate hi office chale jayenge ma'am you are producing directing the film recently there was you know there should be a system likewise if a film gets flopped the actor and actors or the other people should take a responsibility besides the director and the producer so they should return the part of the remuneration to the producer as such so what do you have to देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बजट्स थे हम लोग ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में ये फिल्म बनाई है और मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं और आप लोगों की गुडविल पे भी बहुत काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी बांटने की ज़रूरत है अगर जनता को नहीं पसंद आती फिल्म तो नहीं पसंद आती लेकिन यहाँ पर हम उस तरह किस्म के बजट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हम कहेंगे कि लोग हमें लुटाएँ Okay, film release ki kagar pe hai. Are you nervous or excited? I am a bit of both. I am definitely excited. I am definitely nervous kyunki ye meri pehli film hai aur shayad meri 10th film bhi ho to bhi ek ek dhuk dhuk to hoti hai ki janta ko kaisi lage. So I am both. What message both of you? What message do you want to give to the audience why they come and be a part of the movie? I think people should come and be a part of Jugni because they are going to relate to it. There is going to be an emotional connect, a musical connect that they will have with the film. So they must come and watch it and experience it. I think they should come because they would definitely go back with a lot of thoughts about themselves and they would definitely get some answers which you normally get confused in life a lot. Okay, you're talking about all the battles you relate to love. Wait, too much love inside. Yeah, too much love. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Is that the end of it? Okay, na? Okay.